फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर है। जहां फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों से कंगना अक्सर पंगा लेती नजर आती है। हालांकि कई बार कंगना मीडिया को भी निशाने पर ले लेती है, जिसके बाद अब एक बार फिर कंगना ने एक वेबसाइट पर छपी अपनी और एक्टर वीर दास की एक खबर को गलत करार देते हुए रिएक्शन दिया है। वहीं इस दौरान कंगना ने इस मामले में ऋतिक रोशन को भी घसीट लिया। दरअसल कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें दावा किया गया है कि फिल्म रिवॉल्वर रानी में कंगना और वीर दास के किसिंग सीन के दौरान वीर दास के होठों से खून निकलने लगा था। वहीं कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस रिपोर्ट का मजाक उड़ाया और उन्होंने लिखा कि ऋतिक रोशन के बाद मैंने बेचारे वीर दास की इज्जत लूट ली, लेकिन ये कब हुआ। दरअसल हम आपको बता दें कि साल 2014 में आई फिल्म रिवॉल्वर रानी में वीर दास और कंगना एक दूसरे के साथ नजर आए थे। वही फिल्म का निर्देशन और लेखन साई कबीर ने किया था। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। वहीं इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि कुछ साल पहले ऋतिक रोशन और कंगना रनौत का झगड़ा चर्चा का विषय बन गया था, जहां 2016 से 2017 के आसपास दोनों कानूनी लड़ाई में उलझे हुए थे और तब कंगना रनौत ने दावा किया था कि वे डेटिंग कर रहे थे, लेकिन ऋतिक ने कंगना के दावों को गलत बताया था। हालांकि दोनों ने फिल्म कृष 3 में साथ काम किया है। वहीं अब हम वर्क फ्रंट की बात करें तो कंगना रनौत अपनी अगली फिल्म तेजस में बिजी हैं, जिसमें वह एक एयरफोर्स पायलट के किरदार में नजर आएंगी। वहीं ये फिल्म 20 अक्टूबर 2023 को रिलीज होगी। वहीं इसका डायरेक्शन सर्वेश मेवाड़ा ने किया है। वहीं फिल्म के बारे में बात करते हुए कंगना ने एक बयान में कहा था कि वह हमेशा एक सोल्जर की भूमिका निभाना चाहती थी और इसके लिए वह बचपन से ही आकर्षित रही है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि कंगना रनौत की ये आने वाली फिल्म अब क्या कमाल दिखाती है। वैसे कंगना रनौत को लेकर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।